तो 23वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, किससे प्रभु जी, मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि ना सुख और ना ही परम गति की प्राप्ति होती। और आपने शास्त्र पढ़े, मनमाने ढंग से करते हो, जो भी करते हो, गाड़ी रोड पे मनमाने ढंग से चलाते हो कि कानून के अनुसार है प्रभु जी? स्पष्ट कहा है गीता के अंदर, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि ना सुख और ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। आज सुख देखिए कहाँ है जीवन में लोगों के, आज मंदिर में ज्यादा लोग जाते हैं, आज प्रवचन पहले से ज्यादा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, परंतु सुख बढ़ रहा है क्या, शांति बढ़ रही है? क्योंकि शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना हो रही है। मेरे पास एक व्यक्ति आए, बड़ा मुंह फटा आदमी हो साहब, मैंने 100 भागवत कराई हैं। मैंने कहा तू मरा नहीं अभी तक? उन्हें क्या मतलब, मैंने परीक्षित महाराज तो एक बार सुनने के बाद चले गए थे, मैं यजमान रहा, मैं परीक्षित बनाऊ 100 का। तू तो मरा नहीं भाई, तो तूने एक भी भागवत नहीं सुनी। तो उसने कहा मर जाते हैं क्या? मैंने मरने का मतलब तो समझ, मरने का मतलब ये हुआ है कि भगवान को छोड़कर बाकी सब मर गए, ये है मतलब। मरने का मतलब क्या है कि मेरा एक ही संबंध रह गया भगवान कृष्ण से, बाकी संबंध सब आज नहीं तो कल हो ही जाएंगे। कौन है यहां जो बैठा हुआ कह सकता है कि मेरा संबंध कभी खत्म नहीं होगा? माता पिता पुत्र चाचा मामा बुआ, बिजनेसमैन के लिए कस्टमर, नौकरी करने वाले के लिए उसका बॉस, सब रिश्ते क्या होंगे, खत्म हो गए, समाप्त होंगे। एक रिश्ता है जो था, है और रहेगा, और उस रिश्ते के लिए आप एक मिनट नहीं देते, समय नहीं है साहब। जीवन भर चूरण के नोट इकट्ठे करे, क्या करे? हाँ चूरण की तरह है प्रभु जी, मृत्यु पे काम नहीं आते जब अकेले हो गए। अरे धन तो वो होता है जो कि सुख दे, क्या दे? सुख दे। अब शास्त्रों की अवहेलना करते हो, अब बोलोगे नहीं नहीं प्रभु जी मैं तो नहीं कर रहा अवहेलना। अरे जब जानता ही नहीं है तो क्या करेगा, अवहेलना ही तो करेगा। कभी तुक्का लग गया, कभी अब हाँ कोई कह दे कि इन बोतलों के अंदर जहर भी है और दवाई भी है, आप बोलो यार चलो ईना मीना डीका खेलता हूं, एक बार तो लग गया दवाई हाथ में, एक लग गई बाद में जहर लग गया, प्रभु जी काम हो गया। तो शास्त्रों को तो नहीं जानते,